दुनिया भर आजकल सब पपीते खा रहे हैं, इतने अच्छे। अरे इससे पेट साफ होता है। क्या है और बताइए मेरे को। अरे वाह मम्मी जी, सुबह सुबह रोज दौड़ते हो क्या आप? आपका हार्ट ठीक हो जाएगा ऐसे। पापा जी कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? गुड मॉर्निंग। आप नहीं करते योगा? वेलकम वेलकम बैक बैक। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बाय बाय। सोए हैं वो दोनों? तो गाइस पापा जी को ठंड लग रही है। सुबह सुबह बच्चे सोए हैं और मम्मी पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए जबकि बच्चों को उठना चाहिए। क्या कहना चाहोगे मम्मी जी? उठा उनको। हैं? उठा उनको। नहीं उठ रहे हैं ऐसे। मम्मी बुला रही है ना, आ जाएंगे। मैं यहीं से आवाज लगाता हूँ। पीयूसी साइला। सो गाइस बर्ड्स के लिए पानी और खाना इस तरह से रखना चाहिए। ठीक तो हरकत ही करने में रहता है हर वीडियो में। हाथ हाथ, इसके हाथ ही नहीं बिड़ रहे गाइस। ले कैमरा पकड़, मैं ट्राई करता हूँ। बिड़ गए। हमारे घर में सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं हमारे पापा जी, उसके बाद अम्मा जी हैं। अम्मा तो सब है। हाँ घूमो, सुबह सुबह घूमना चाहिए। घूमती हूँ सुबह में। पापा जी ने खतरनाक कर दिया है। वो देख ले जाए ऐसे तो एक So guys, I hope you enjoyed today's session, today's yoga session, exercise session. कल सुबह रे मिलेंगे 5 बजे। मेरा नहीं पता पक्का, मैं तो कल आज जल्दी उठ गया इसलिए। कल उठाऊंगा तेरे को। जल्दी सोऊंगा तभी उठूंगा ना। जल्दी सो जाना, रात को क्या करना है तेरे? नहीं काम होता है यार। So guys, अब हम खाएंगे 4 बादाम जो कि रात को भिगा रखे थे, तो छिलका निकाल लिया मैंने। तो गाइस अभी मम्मी जी बना रही हैं ये हेल्दी हेल्दी अंकुरित वाला, इतने में नहा के आता हूँ। और पापा जी करते हैं सुबह सुबह रोज पूजा। सुबह की पूजा पापा जी करते हैं, शाम की भी आता मैं ही करता। शाम की तो सारे करते हैं मिलके। और सीटी बज रही है इतनी देर से, क्या क्या बन रहा है उसमें? छोले। छोले, चलो ठीक है आज दिन में छोले चावल खाएंगे। तो चलो गाइस मैं नहाने जाता हूँ, नहा के आता हूँ। सो गाइस अभी मैंने नहा तो लिया है, तो अभी मैं छत में आया हूँ अपने बालों को सुखाने के लिए। तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, धूप में सुखा लेता हूँ नेचुरली। मैं कभी भी कोई हेयर ड्रायर वगैरह का यूज़ नहीं करता, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, मेरे पास है भी नहीं, तो इसी तरह से नेचुरली सूख जाते हैं। सो अब बात करते हैं कि मैं अपने हेयर में या फिर फेस में यूज़ क्या करता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट। कि काफ़ी लोग बोलते हैं आपके हेयर किस तरह से इतने सिल्की सिल्की से हैं, मतलब किस तरह से केयर करते हो। तो गाइस लिटरली बता रहा हूँ सीधी सीधी बात कि मैं अपने हेयर में कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही कोई शैम्पू ना ही कोई कंडीशनर। बिकॉज अगर मैं शैम्पू यूज़ कर लूँ तो मेरे पूरा दिन आँखों से पानी आता रहता है, पता नहीं एलर्जी है क्या है जो भी है। सो ये जो भी है सब नेचुरली है, मेरे हेयर कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। इतना टाइम ही नहीं होता, अपना काम करते रहते हैं हम। बस सुबह सुबह नहाने के बाद मैं एक बार कंघी कर लेता हूँ, उसके बाद तो मैं शीशे में भी नहीं देखता कि मेरे हेयर लग कैसे रहे हैं। सीधा मैं वीडियो बनाता हूँ, कैमरा उठाता हूँ, सीधा बोलता रहता हूँ। मैं लिटरली गाइज बिल्कुल भी केयर नहीं करता। और इवन गाइज मैं तो तेल भी डालता, कभी कभी मम्मी सिर की चंपी कर दिया तब तो पूरा तेल डाल देती, अदरवाइज मैं तेल भी डालता। तो हाँ गाइज हेयर तो मेरे ऐसे ही हैं नेचुरली सिल्की से। मैंने आज तो कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने कभी स्ट्रेट करवाए हैं, सिंपली ऐसे ही है। और रही बात फेस, तो गाइज फेस में मैं कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई कुछ भी प्रोडक्ट कुछ भी। कभी कभी अगर कोई फेस वॉश मिल जाता है, कोई भी, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ब्रांड, कोई फेस वॉश कभी कभी मिल जाता है तो मैं लगा लेता। मतलब फेस हेयर मतलब बॉडी, इससे मैं कॉन्शियस नहीं हूँ इतना कि मुझे अच्छा दिखना है ये है वो है।
बट नेचुरली मैं अच्छे कपड़े डाल लेता हूँ, मतलब नहा लेता हूँ तो साफ़ सुथरा रहता हूँ, बट उतना कुछ ज़्यादा नहीं है जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं पूरा दिन शीशे में पड़े रहते हैं, देखते रहते हैं खुद को, वीडियो बनाने तो देखना है खुद को कैसा लग रहा हूँ ये वो, तो ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूं। तो हाँ गाइज, मैंने आपको बता दिया सिंपली आई नेवर यूज़ एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग, कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं करता हूं, सिंपली सिंपल रहता हूं और सिंपल खाता हूं, और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता मैं कोई ज़्यादा गोरा हूं या काला हूं। आपने देखा होगा मेरे रूम में कोई फालतू का सामान नहीं पड़ा था इस तरह का, मेकअप वगैरह का या कुछ भी इस तरह का, बिकॉज मैं यूज़ ही नहीं करता गाइस लिटरली। सो गाइस, अभी हेयर बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो कुछ इस तरह के हेयर है मेरे नेचुरली, कुछ भी यूज़ नहीं करता बिना कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, बस सिल्की और घने बाल। अब मैं इसमें तेल नहीं डालूंगा, तेल डालूंगा तो ये पूरे चिपचिपे से हो जाएंगे, तो तेल मैं नहीं डालता हूँ, तेल मैं रात को ही डालता हूँ सोते वक्त जब मुझे वीडियो नहीं बनानी होती, अदरवाइज़ तो मुझे इस तरह के गुच्छे ही पसंद है मतलब घने वाले पसंद है। तो चलो गाइज, अब चलते हैं नीचे और कोई नया वर्क स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, दिस इज़ नॉट माई डेली रूटीन, तो ये मत सोचना, बिकॉज मैं यूजली लेट ही उठता हूँ, आज मैंने जल्दी उठ गया था, तो अगर जल्दी उठता हूँ तो यही सीन रहता है। तो चलो, क्या चल रहा है रामायण? तो गाइज, अभी महायुद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच में, तो गाइज ये चला दिया बाण, लॉकडाउन में पूरी रामायण देख डाली सबने, है अम्मा जी आपने खाना खा लिया? व्रत है आपका किस चीज का? अच्छा, आपका भी मम्मी जी? देख लो गाइज, इतनी उम्र में भी अम्मा व्रत रख रही है। सो गाइज, ये हैं ब्रश पेन्स टॉम्बो के, जो कि पोर्ट्रेट वाला सेट है मेरे पास, तो आज इससे कुछ बनाएंगे, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए मैं वाटर कलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आज कुछ यूनिक करते हैं, कुछ नया करते हैं, इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक फोटोग्राफ है मेरे पास जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, सलवादोर दाली वाली, जो कि मैंने पहले पेंसिल से बनाई थी हाइपर रियलिस्टिक, तो आज हम इसको बनाएंगे कलर में इनसे, और आउटलाइन के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्राफगेयर 1000 मैकेनिकल पेंसिल, तो देखते हैं किस तरह से बन पाता है इनसे। सो गाइज, आउटलाइंस तो कंप्लीट हो गई हैं, जो कि फिलहाल कुछ इस तरह की लग रही हैं, तो चलो अब यूज़ करते हैं हम ड्यूल ब्रश पेंस और देखते हैं कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं इनसे कलर करने से। तो गाइज, ये है फाइनल वर्क जो कुछ इस तरह का लग रहा है, तो मैंने पूरी कोशिश की है रियलिस्टिक बनाने की, तो कुछ इस तरह का मैं बना पाया, और मैंने इसको पहले भी बनाया था पेंसिल से तो काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है। सो इसे बनाने में मुझे पूरे 4 घंटे लगे गाइज, सुबह से बना रहा हूँ, बट जो भी है रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, अगर थोड़ा सा भी दूर से देखते हैं तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये सेकेंड टाइम था जो कि मैं ब्रश पेंस यूज़ कर रहा हूँ, वो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जो कि मैं अपने आर्ट वे चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा, तो देख लेना। सो गाइस, मौसम एकदम से बिगड़ चुका है, बारिश तेज हो रही है, मेरे को दे दो ना, तुम्हें कोई नहीं मान ले, खा ले इसको, फिर ये अच्छा वाला पपीता। सो गाइस, देखो मम्मी इसको पपीता दे रही है, पट मना कर रहा है खाने के लिए, नहीं मान रहा है। अरे बढ़िया होता है, मैगी खाएगा, मैगी खाएगा, मैगी खाने के लिए सबसे आगे खाने के लिए तैयार रहता है।
और अच्छी चीजें नहीं खाएगा। मम्मी जी गुस्सा भी होती है गाइस हमारी, देखो पपीता खाने के लिए मना कर रहा है। एक तो खा लूं, खा ले, हेल्दी होता है। पीयूष की बेइज्जती हो गई आज तो तगड़ी वाली। मैगी अच्छी लगती है? अच्छा तेरे लिए थोड़ी ना, फिर वो पपीता खा रहा है, पपीता खा रहा है, पपीता खाना पहले। नहीं दूंगा ही नहीं मैं, मैगी बनाऊंगा तो दूंगा ही नहीं, देख लियो। मेरे को दे रहे हो, आप खा लो, मैंने खा लिया वैसे। ये ना जब उसका टेस्ट ही लगा तभी अच्छा लगता है। कुछ और लाओ। हाँ लाऊ, लाती हूँ, रुक और लाती हूँ तेरे लिए कुछ। दुनिया भर आजकल सब पपीते खा रहे, इतने अच्छे। अरे इससे पेट साफ होता है। क्या है और बताइए मेरे को, केले ले ही रखे हैं, पपीता ले, और क्या फ्रूट है? मुझे ना बोलियो मम्मी, मत कहना मेरे पास। मम्मी कह रही, मम्मी मत कहियो। मम्मी गुस्सा गुस्सा। सो गाइस बस इतनी सी बारिश आई, इतनी सी। आसमान में बादल कुछ तगड़े ही हो रहे हैं, बारिश रात को आ सकती है काफी तेज। पीछे सुबह क्या कर रहा था? सुबह वाला इतना फनी सीन आया ना, तो एक्सरसाइज की जगह नाच रहा था। हाँ सो गाइज आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आया है तो लाइक कर देना। अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ, बहुत मस्त वाली हवा चले ठंडी ठंडी, तो हम इन्जॉय कर रहे हैं थोड़ा बहुत, हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं और थोड़ा बहुत एंड करता हूँ। और मुझे अभी एडिटिंग करनी है और कोई वर्क भी स्टार्ट करना है, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना। और बस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।